ओ हाय गाइस, कैसे हो? हाय सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं पैन इंडिया सुपरस्टार, यार पैन इंडिया भाई, यार पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रवास के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस, आज वो दिन आ ही गया, अभी टाइम नहीं आया, सिर्फ दिन ही आया है। शाम के 5 बजे आज मेकर्स ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब क्या करेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा, बट काफ़ी हैवी चांसेस है कि वो अपनी जो नया डेट है, क्या डेट रहने वाला है पिक्चर का, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो करते हुए हमें दिखाई है, वो दे सकते हैं। जो कि आप सबको याद होगा मैंने यस्टर को क्या बताया था, अभी देखो मेकर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए एज अ इंट्रोडक्शन वीडियोज़। अभी अमिताभ बच्चन का किया, क्या बता गए, कमल हसन का भी करेंगे, मे बी दीपिका का भी करेंगे, मे बी प्रवास का भी एक वीडियो लाएंगे, बट इससे पहले भाई उनको अपना ऑफिशियली डेट मेंशन कर लेना चाहिए। जबकि आपका कोई वीडियो देख रहा होगा एज अ न्यूट्रल ऑडियंस ले लो, जिनको पता भी नहीं होगा कि प्रवास की अपकमिंग मूवी ये वाली आने वाली है, तो भाई वो रिलीज डेट ढूंढेगा, यार रिलीज डेट तो है ही नहीं, पता ही नहीं है कब आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि डेट आप पहले बता दो, जो कि आज शाम 5 बजे मेकर्स है वो बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी हैवी चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पिक्चर 27 जून को ही रिलीज होगी। अब ये खबरें चल रही हैं, जो कि ये न्यूज़ मैंने आप सभी को जब इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं आया था अमिताभ बच्चन जी का, वो 1 मिनट एंड 9:10 सेकेंड का, जो उससे मैंने पहले एक दिन पहले बता दिया था कि शायद 27 जून को मेकर्स रिलीज कर सकते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब कल से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ही चल रही है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं जो तुम्हारे भाई ने काफ़ी टाइम पहले बता दिया था क्या वो राइट रहता है या फिर नहीं, बट चांसेस ज़्यादा यही है 27 जून को ही आएगी। मतलब कि दो बड़ी पैन इंडिया मूवी, एक तो इंडियन 2, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि या फिर 13 या फिर 14 जून को आएगी। दोनों के बीच में केवल 2 वीक्स का ही गैप है वो रहने वाला है, केवल 2 वीक्स का, देखा जाए इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट दोनों साउथ की मूवी हम क्या देखते हैं मैक्सिमम कि 1 वीक में काफ़ी अच्छा सा बिजनेस निकल के सामने आता है, बाकी बाद में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो इंडियन 2 भी शायद ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, 2 वीक्स ठीक है, थोड़े शो चले जाएंगे जब कल की 2898 AD आएगी। एंड कमाल की बात ये है कि भाई दोनों में कमल हसन है, कल की 2898 AD में, मतलब जो कमल के फैंस होंगे उनके लिए भाई डबल डबल तोहफा है, एक तो वो 15 तारीख को आएंगे 14 को, सेकंड फिर वो 27 जून को भी हमें आते हुए दिखाई है वो दे सकते हैं। फिलहाल अभी इंडिया 2 वालों ने अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया क्या डेट रहने वाली है, एंड फिलहाल कल के 2898 AD वालों ने अभी ऑफिशियली नहीं किया, ये एक हमारा एक स्पेकुलेशन है कि शायद 27 जून को आएगी। अब लेट्स सी शाम के 5 बजे हमें पता चल ही जाएगा। चलो मान लेते हैं कि कल की 2898 AD 27 जून को आती है, ठीक है 27 को, वैसे शाम को पता चल ही जाएगा। तो 4 दिनों का वीकेंड होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बट जून और जुलाई में, इवन अगस्त का भी आप फर्स्ट वीक ले लो, कि यहाँ पे इंडिया हो या फिर ओवरसीज हो, भाई ज़्यादा कुछ हमें हॉलीडेज अब देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब कि प्रवास को जो भी करना होगा इस बार, कल की 2898 AD भाई बजट भी काफ़ी ज़्यादा है, वो एक नॉर्मल डेज में ही करना होगा, बीच में कोई भी बड़ा हॉलीडे, कोई बड़ी छुट्टी है वो नहीं आएगी। अभी थर्सडे को नॉर्मल डे में आ रही है, तो भाई पिक्चर को बड़ा यूज ओपनिंग है वो लेनी होगी, पर प्रवास के हम रिकॉर्ड की बात करें भाई 100 करोड़ प्लस ओपनिंग, तो भाई पता नहीं क्यों लेकिन लिखा होता है कि यार प्रवास आ रहे तो 100 करोड़ प्लस ओपनिंग डेफिनेटली ले ही लेगी। देखो हम बाहुबली 2 आफ्टर उनका रिकॉर्ड देखें, साहू 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, हाँ थोड़ी राधे शाह ने कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं किया, ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड में ओपनिंग है वो ली थी, पर 70 करोड़ मेरे भाई कम नहीं होता है वैसे देखा जाए, 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, अभी कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवीज़ आती हैं 70 करोड़ के आसपास, भाई उनके लिए भी ओपनिंग लेना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। एंड नेक्स्ट आप आदिपुरुष ले लो, मेकर से तो 140 करोड़ का पोस्टर छापा था, एंड सलार ने तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था मेरे ख्याल में, 23 की बात करें तो हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली वो मूवी थी, एंड अब भी आ रहे हैं भाई वो कल की 2898 AD। देखो आ रही है थर्सडे, एक नॉर्मल डे है इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो, बट आप ये लिख के ले लो कि ये 100 करोड़ प्लस तो भाई वर्ल्ड वाइड में बिजनेस करने ही वाली, यार वर्ल्ड वाइड क्या बात कर रहे हो, 100 करोड़ प्लस तो भाई नेट आने के चांसेस हैं इस बार, और आना भी चाहिए जिस तरह बजट है, और हिंदी मार्केट्स में भाई यूज ओपनिंग चाहिए कंपैरिजन टू सलार से भी, लेट्स सी गाइस अभी देखते हैं। और हाँ 4 जुलाई मेरे ख्याल में, चार जुलाई को अमेरिका में छुट्टी है, ठीक है हॉलीडे है, तो थोड़ा वहाँ से बिजनेस आ सकता है। हम सभी को पता है कि प्रवास का फैन बेस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू साउथ एक्टर एंड उनका नॉर्थ अमेरिका में। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप नॉर्थ अमेरिका का 8 मिलियन प्लस एक्टर्स की मूवीज बताई थी, उसमें से प्रवास नंबर 1 पे है। यूके के अंदर प्रवास का काफ़ी फैन बेस है,
एंड बाहुबली फिलहाल देखा जाए नंबर वन पे हाईएस्ट बिजनेस करने वाले मूवी में, साउथ की बात कर रहे हैं। ये यूके हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया ले लो आप, न्यूजीलैंड ले लो, थोड़ी गल्फ कंट्रीज़ में उनका मामला थोड़ा ठंडा रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कल की 2898 अच्छा खासा बिजनेस है वो निकाल के जाएंगे। बाकी अगर 27 जून को आती है तो किस किस मूवी के साथ क्लैश हो सकता है, शोज ले सकती है, स्क्रीन खा सकती है अनदर मूवी, तो मैं सबसे पहले भाई शाम को इंतजार करते हैं मेकर्स 27 जून का ही ऑफिशियली डेट मेंशन करते हैं या फिर नहीं, फिर बाद में हम डिस्कशन है वो करेंगे। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कि डे नंबर वन में कल की 2898 एडी कितना बिजनेस कर सकती है, क्या 200 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड में ओपनिंग, क्या कहना है भाई सभी का, क्या ओपिनियन है, क्या सलार का जो डे नंबर वन में बिजनेस था भाई ओवरटेक कर पाएगी 180 करोड़ प्लस डे नंबर वन मेकर्स, क्या ऑफिशियली पोस्टर छापेंगे 28th ऑफ जून को या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ मुझे ही पता है भाई ये सब बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट प्रवास है यार विदाउट टीजर ट्रेलर 50 करोड़ प्लस भाई ओपनिंग दे सकता है बंदा, इस तरह भाई स्टार्टम है इनका। बाकी डिवाइस एडवांस बुकिंग और डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी जगह पर मिलता रहेगा, तो करके रहो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।